मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता समाप्त करने के फैसले पर जदयू सांसद गिरिधारी यादव ने एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। गिरिधारी यादव ने कहा है कि संसद में ओम बिरला पर लोकतंत्र का गला दबाने का आरोप लगाया है। अध्यक्ष महोदय, आपको बता रहे हम लोगों को आचार समिति अध्यक्ष ने कहा था कि दर्शन नानी को बुलाएंगे, उन्होंने नहीं बुलाया। दानिश जी, हम हमारे चेयरमैन खड़े हैं, कोई बात ही नहीं हुआ। दो मिनट में खत्म मीटिंग। आए उधर से बोला डिसेंट नोट दीजिए, मेंबर है डिसेंट नोट भी शामिल नहीं किया आपने। अगर सब एथिक्स कमेटी का मेंबर को मौका देना चाहिए। और एकदम फॉल्स रिपोर्ट, कोई चर्चा नहीं। हमारा प्रतिष्ठा का हनन किया गया। हम एमपी को बुलाते हैं और पूंजीपति को नहीं बुलाते जो आरोप लगाता। न्याय प्राकृतिक होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम जानते हैं आप जिस चेयर पर बैठे हैं आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आप बताइए न्याय दिखना भी चाहिए। फिर आप गलत, न्याय दिख नहीं रहा। आपने नहीं बुलाया और हमको बुला लिया। और जहां तक पासवर्ड, एक मिनट प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, बार बार मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मेरा अधिकार नहीं है, ये सभा का अधिकार है। आप अपने शब्दों को ठीक से बोलो। कोई मैं न्यायाधीश थोड़ी हूं जो मैं निर्णय कर रहा हूं। ये सभा का अधिकार है। अगर सभा का अधिकार नहीं तो फैसला सुना देता मैं। ये सभा का अधिकार है। ठीक है अध्यक्ष महोदय। और जहां तक शपथ पत्र का, शपथ पर नहीं हो सकता है, क्रॉस पर होना चाहिए था। बिना काम का शपथ पत्र पर किसी को सजा नहीं दे सकते। और हमारे एक माननीय, हमारी डॉक्टर हिना जो सांसद सदस्य हैं, उन्होंने कहा पासवर्ड कभी नहीं दिया गया। पासवर्ड महुआ मोइत्रा जी के पास था, भले लॉगिन कहीं से हो। और हमारा भी पासवर्ड मुझे याद नहीं है, मेरे पीए के पास है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया इस बार लोकसभा में डर से कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम तो आज तक मेरा प्रश्न दूसरा करता था। मैं कभी अपना प्रश्न बनाता नहीं, बहुत सारे एमपी नहीं बनाते। बहुत इंटेलिजेंट होंगे जो दो घंटे में पढ़ लिए। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं पढ़ पाए। और मैं प्रश्न अपना कभी नहीं करता हूँ, मेरा पीए करता है, मेरा और स्टाफ करता है। और मैंने इस बार एक भी क्वेश्चन डर से नहीं लगाया। लोकतंत्र में डराया गया है, आप मैंने नहीं किया। हमको आता ही नहीं है। हमको तो कंप्यूटर चलाना अध्यक्ष महोदय नहीं आता है। हम तो लिख के दिए, मुझे दिया जाए, नहीं दे रहे, नहीं जानता हूँ क्या करें। हम तीसरी बार सांसद हैं, चार बार एमएलए हैं, बुढ़ारी में सीख सकते हैं। हम बूढ़े का वो पोष मांगता है, लालू जी कहते थे, नहीं हो सकता है। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। 377 बड़ी मुश्किल से डाला, इसके पहले पूरा प्रश्न करता था। नहीं जानते हैं तो नहीं जानते। इसलिए बिना काम का बाजबरदस्ती, ये मनुस्मृति में कहा गया है सबके लिए अलग अलग कानून होगा, वही मनुस्मृति भारतीय जनता पार्टी वाले लागू करना चाहते हैं। ये मनु का धर्म नहीं है, ये मनु का समय नहीं है, लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र में आप लोकतंत्र का गला मत दबाइए, लोकतंत्र का हत्या मत करिए। महुआ मोइत्रा का जो प्रश्न है, एक मिनट प्लीज अपराजिता, एक मिनट माननीय सर, प्लीज एक मिनट। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह प्रश्न खुद बनाए और खुद डाले। हमारे प्रश्न कोई भी बनाकर नहीं डाल सकता। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं आप, नो, इस संसद की गरिमा को मैं निगरने दूंगा, क्योंकि मैं यहां का कॉन्स्टिट्यूशन, मैं सभापति हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है सभी माननीय सदस्यों की गरिमा को बनाए रखना। आप इस बात से सहमत हैं इनकी बात से? क्या माननीय सदस्य खुद अपने प्रश्न नहीं बनाता, हमारे प्रश्न कोई और बनाता, ये बात से सहमत हैं क्या आप? क्या करेंगे, मैं जो बताता हूं महुआ मित्र को आप 10 मिनट का जगह 5 मिनट नहीं तो 7 मिनट बोलने दीजिए, इसमें अच्छा रहेगा ये डिबेट। नहीं, आप उनकी बात से सहमत हैं क्या? कौन कौन बात पर? गिरिधारी जी यादव की बात पर। क्वेश्चन हर एक मिनट हर हर व्यक्ति
हर व्यक्ति क्वेश्चन करना चाहता है लेकिन जानता नहीं कैसे कर सकता है। ये बात है सर, वो एडमिट करता है कि नहीं जानता। मेरा पीए को पास मैं पासवर्ड दे देता, उन्होंने ये बताया। आप एक दिन टेस्ट कराए ना सब मेंबर को, उन्होंने तुम्हारा पोर्टल खुल के तुम पेपर निकालो। उन्होंने ये भी कहा, I want to see पोर्टल खुल के तुम रिपोर्ट निकालो। आप 10-10 करके एमपी को आपका घर में बैठा के आप कोशिश करके देखिए। माननीय सदस्य, उन्होंने तो ये भी नहीं कहा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं क्वेश्चन ही नहीं बनाता हूँ। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।